हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं आज आ गया हूँ एक और न्यू व्लॉग के साथ। तो भाई हमारा प्लान बना है इस्लामाबाद जाने का बाइक पे, ठीक है। तो मैं और यूसुफ जा रहे हैं, यूसुफ को कॉल किया, वो भी आ रहा है। मैं अभी फ़िलहाल ऐसे ही निकलूँगा, ठीक है। पैक शैक होकर जाना है, आपको साथ रखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को सफ़र अच्छा लगेगा। बाइक पर जाना है हमने, बाइक पर, बाइक का सफ़र है, बाइक का, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग इंजॉय करेंगे। बस यही है कि यार सर्दी से ज़रा हमारा वो बाइक सही पहुंच जाए और सर्दी जो है वो हमें जो है ना कंट्रोल पे रखे, कंट्रोल में रखे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम निकलते हैं तो बाइक जो है ना वो भी हमें तंग ना करे, क्योंकि पहला सफ़र इतना लंबा एक बाइक पे, ठीक है। वैसे बाइक अच्छी है लेकिन फिर भी कोई बुरे वक्त का पता नहीं होता। लो भाई साहब, ये मेन पे चढ़ गए आप। ले जी, ये पहला दरिया है जी, जिसे हम कहते हैं कि दरिया चनाब। वज़ीराबाद गुजर गए हम, अब आगे पेट्रोल डलवाना है यार, इसमें पेट्रोल काफ़ी कम है। बाकी दरिया आजकल यार खुश्क है, सर्दी काफ़ी ज़्यादा है और इसमें से ना रेत भर भर के लेके जा रहे हैं, पता नहीं क्या सीन है। टेंगी तो भारी भी गई उस, तू आना हपै जो 2000 का भाई। चलो ठीक है, 1680। हेलो जी, पेट्रोल शेट्रोल डलवा के हम निकल आए थे। हम जो है गुजरात सिटी अब क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। आगे हम इंशाल्लाह लाला मौसम पहुँचने वाले हैं। तो फिलहाल तो सफ़र जो है ना मुकम्मल पुरसकून और मज़े का गुजर रहा है, मतलब बहुत सही सफ़र गुजर रहा है। बाइक ने भी फिलहाल कोई नहीं तंग किया। हाँ यूसुफ क्या ना यार, हेलमेट का जो होता है ना शीशा वो आगे से ख़राब है, उसकी वजह से हवा पड़ रही है और जो है बाइक सही से चला नहीं पा रहा। वो रास्ते से वो चेंज करवाते हैं और आपको लोगों को साथ रखते हैं, एंजॉय वगैरह करवाते हैं। फिर ले जी, हम ना खारियाँ जो है वो गुजर गए हैं। तो रोड जो है ना इस्लामाबाद के, ओए ओए बंदा मोटर में ना भी ना चढ़े यार, ये दूसरा मोटर है, सही बात है। रोड पूरे जो लेवल के रोड हैं इस्लामाबाद जाने के, ठीक है। अभी तो हम इस्लामाबाद गए नहीं है, वहाँ का तो सीन ही कुछ और है। बाकी जंगल जंगल जो है वो सीन शुरू हो गया जंगलात वाला, ठीक है। खारियाँ गुजर गए, अब ना आगे अब जो है छोटी मोटी पहाड़ियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। टी टाइम जी, ऐसी ना जेल हम क्रॉस कर गए हैं। मेरी टोपी इधर रखो, ठीक है जी। टोपी ना मेरी चुक ली। जेल हम क्रॉस कर गए हैं, चाय शाय लगे हैं पीन,
चाह शाह पी के निकलना। टोपी तो चाह जी है ना बड़े इतने भुलनी नहीं है, मदे तो भुल जी है। कैसी चाह है? पेंडर की नहीं है, बाकी मजा दी जिम्मे चाचा बनाता, बाकी मजा दी आराम। चलो बिस्कुट थोड़े वास्ते ही, मैं तो नहीं खाना, मैं रोटी शोटी खा के। नहीं जी, अब हम जो है चाय शाय पी के निकले हैं जेलम से, तो फिलहाल जो सफ़र है वो बहुत ही पुरसकून जा रहा है, अच्छा सफ़र जा रहा है, कोई परेशानी नहीं हुई, बाइक ने बिल्कुल तंग नहीं किया, वरना मुझे ये था कि बाइक जो है कुछ ना कुछ तंग ज़रूर करेगी। जेलम हम निकल गए हैं, कम जो है ना हाफ मेरे ख्याल से हो ही गया है, तो जा रहे हैं अभी। हमें जो घर से निकले तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं, लेकिन एक बात है यार, हमारी तरफ जो है धूप नहीं है, 3-4 दिन हो गया उधर धूप नहीं निकली, और इधर जो है सही वाली धूप निकली हुई है, ठीक है। और शुक्र है कि जो है ना इस वजह से हमारा, हमें जो है ना सर्दी कम लग रही थी, वरना जब हम गांव से निकले थे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, ठीक है। लेकिन अब जो है कि सर्दी कम लग रही है, धूप निकली हुई है यहाँ पर, अब इस्लामाबाद तक हो सकता है कि धूप निकले, सामने पहाड़ियाँ नज़र आना शुरू हो गई हैं, ठीक है जी। मतलब ये कि हम ना इस्लामाबाद में समझो एंटर हो गए हैं, यहाँ से अभी भी जो इस्लामाबाद है ना वो तकरीबन है 62 किलोमीटर, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह 1 घंटे में हमने पहुँच जाना है, ठीक है। अरे माशाल्लाह, ज़िंदगी में पहली बार जो है ना बाइक पे सफ़र कर रहा हूँ इस्लामाबाद का, और ये जो नज़ारे हैं ना ये लिटरली हम बाइक पे इंजॉय कर सकते हैं, गाड़ी पे ये नज़ारे नहीं नज़र आते, ठीक है। यहाँ से इस्लामाबाद अभी भी तकरीबन 40 किलोमीटर है, लेकिन ये है कि जब पहाड़ियाँ नज़र आना शुरू हो जाती है ना, हौसला हो जाता है कि बस सही है इस्लामाबाद आ गए हैं। अब यहाँ से ना मैं ये सीन सारे नज़ारे ले रहा था, और मेरे दिल में था बस आ गए हम इस्लामाबाद, पहुँच गए इस्लामाबाद। तो अभी बैठे हैं होटल देख रहे हैं, आप होटल वगैरह भी बैठे हैं, चाय शाय पीने, चाय शाय भी हमने पी ली है, पी के अब निकलते हैं आगे इंशाल्लाह। अब सीधा वहीं इस्लामाबाद पहुँच की बात होती है, आप लोगों से नींद आना शुरू हो गई है।
इसको यार अब मुझे नहीं आ रही ते मुझे निकल गया यार फिर मेरे तो कांपे डाल दिया कांपे डाल कांपे डाल कांपे की रोड दिखा रहे हैं ठीक है निकल ले आप इंशाल्लाह वहीं जाकर आपका आता वो जनाब फाइनली हम इस्लामाबाद में हैं ठीक है इस्लामाबाद में पिछले 3 घंटे से हैं लेकिन छोटे मोटे काम थे वो ख़त्म किए हैं ठीक है अब हम एक दोस्त का वेट कर रहे हैं उसको भी मिलवाते हैं आपके साथ हसन हसन अदील वो पहले भी मेरे व्लॉग में आ चुका है मेरे गाँव का ही है वो उसका वेट कर रहे हैं उसी के ऑफिस में बैठे हुए हैं तो जैसे ही वो आता है फिर उसके साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं लेकिन सफ़र कैसा रहा भाई तू दास क्या प्लान होता है तो इंशाल्लाह चलो दिल आता है तो फिर आपको हीटर शीटर लगा हुआ है यहाँ पे मौज बनी हुई है अब जो है ना अपने आप को हमने थोड़ा सा रिलैक्स किया ठीक है खुद को रिलैक्स किया सर्दी जो है वो हमने अपनी उतार ली है चाय शाय पी है फाइनली असन की आ रहे ठीक ठाक हैं फाइनली भाई असन दिल में मिलने अभी ठीक है इस्लामाबाद आने का तोड़ सफर तीर भाई ना मुलाकात इन्होंने बड़ा अच्छा खाना खवा खिलाया लेकिन याद नहीं रहा थोड़ी जी गलबात करते रहे करने हम ठीक काम के बारे तो उत्थे ब्लॉग शूट करना याद नहीं रहा इतने आना अजय खाना शाना खा के अभी आ गए हैलो कर दो सारे अस्सलामुअलैकुम गाइस क्या हाल है ठीक है ठीक है जी ऐ दिल भाई का ऑफिस है ठीक है इतने आना ही जरा नाल के कमरे सोन सोने इंतजाम लगे कर अभी हम जरा सौन लगे जे है इस्लामाबाद गुजरा तो इस्लामाबाद का बाइक तो जो अगर सफर अच्छा लगा हो लाजमी लाइक करे शेयर करे तो दिल भाई का शुक्र गुजार भी इन्होंने बड़ी खिदमत की है इनशाला अं मिलते रहेंगे हम मैं भी हसन भी तो सब अगर साढ़े ना रुख गगड़ी तो अगर तुम्हें व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करो शेयर करो कमेंट जरूर दस्या जाए कि ऐसा व्लॉग किमें लगे अपना बहुत सारा ख्याल रखा जाए मिलने अपने नैक्सट व्लॉग से अल्लाह हाफिज़।